वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज ज्योति सेठी। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो। अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी हाउ आई रिमूव माई मेकअप एंड आई नेवर रियली डन अ मेकअप रिमूविंग वीडियो। सो आई वॉज जस्ट अबाउट टू एक्चुअली रिमूव दिस मेकअप बिकॉज आई जस्ट गॉट डन फिल्मिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज। सो आई थॉट वाई नॉट क्विकली शूट अनदर वीडियो वेयर आई शो यू हाउ आई रिमूव माई मेकअप। सो द प्रोडक्ट्स विच आई एम गोना शो यू आर द प्रोडक्ट्स विच आई एम यूजिंग फ्रॉम last a lot of months, I don't remember like exactly, but कुछ 4-5 महीने से I've been using. If you follow me on Instagram, आप लोगों ने ये products बहुत बार देखे होंगे कि मैं use करती रहती हूँ। तो usually मेरे lashes लगी होती हैं क्योंकि मेरी कोई भी makeup look मतलब lashes के बिना complete हो जाती है, तो mostly I'm with my lashes on. तो सबसे पहले मैं अपनी lashes remove करती हूँ simply अपने हाथों से इसी तरीके से, that's it. ये काफी हल्की वाली lashes हैं, ये बहुत आराम से उतर जाती हैं। उसके बाद the makeup remover which I use these days, ये Nelf का makeup remover है, you can see काफी सारा मैं use कर चुकी हूँ, ये almost मतलब खत्म होने वाला है। so this is the one that I'm using these days and this is a foam based makeup remover, like you see अगर मैं इसको निकालूंगी so इस तरीके से foam बाहर निकलेगी। so I sometimes take this foam on to my hands also and I just rub my both hands together और उसके बाद मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ makeup, और sometimes if I'm not in that mood I use cotton, so इस तरीके से मैं इसके ऊपर ये foam जो है लेती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने चीक्स करती हूँ क्योंकि एकदम से बहुत सारा जब मेकअप रिमूवर लगा होता है तो अगर मैं सीधा आईज पे लेके जाऊंगी ना तो वो अंदर आंखों के जाने के चांसेस होते हैं, तो जब थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ उसके बाद मैं इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से अपनी आईज साफ करती हूँ। दूसरा प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ ये है टोनर, ये भी Nelf, हाँ Nelf ब्रांड का ही है। ये मैं हमेशा यूज नहीं करती हूँ बट मोस्टली यूज करती हूँ। अगर मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, और अगर जल्दी में नहीं होती हूँ बहुत अच्छे मूड में होती हूँ मेकअप रिमूव करने के तो फिर मैं टोनर भी इस्तेमाल करती हूँ। दिस आई यू जस्ट हैव टू बेसिकली स्प्रे ऑन योर फेस, सो आई स्प्रे इट। Then I take that same cotton का दूसरा वाला साइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपको लगता भी है ना कि आपका मेकअप पूरा उतर गया और अब बस अब तो आप सो सकते हो सीधा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। सो द थर्ड प्रोडक्ट विच आई यूज इज दिस फेस वॉश, दिस इज डर्मा वाइव हाइड्रा क्लेंजर। आप अपना फेस वॉश यूज करते हो उस तरीके से, ये जो फेस वॉश है इसमें ज्यादा फोम नहीं बनती है बट ये काम बहुत अच्छा करता है। और ये फेस वॉश मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, ये खत्म होने को है मतलब इट्स एंडिंग, आई हैव टू बाय अनदर वन एंड दैट्स इट। नाउ आई जस्ट क्विकली वॉश माई फेस एंड कम बैक। ओके दैट्स इट, आई जस्ट वॉश्ड माई फेस विद नॉर्मल रेगुलर वॉटर एंड ये मैं टॉवल लेके बहुत आराम से साफ करूंगी। मतलब ये मेरी आदत नहीं है कि मैं पकड़ के रगड़ दूं, यूजुअली हम लोग करते हैं बट मैं बहुत सालों से मुझे ये आदत है कि मैं सिर्फ अपने फेस को इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पानी सारा निकाल देती हूँ। नाउ द लास्ट स्टेप, तो आजकल जो मैं यूज कर रही हूँ वो वही जो मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले लगाती हूँ हमेशा, न्यूट्रीडर्म। आप लोग बोलोगे कि ये हर वक्त न्यूट्रीडर्म दिखाती रहती है, मैं क्या करूँ, मैं यूज ही यही करती हूँ। कोई मेकअप आप देखोगे तो मेकअप शुरू करने से पहले भी मैं यही लगाती हूँ, न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर। और मेकअप जब मेरा खत्म होता है और मुझे रिमूव करना होता है तो लास्ट चीज भी मैं आजकल यही लगाती हूँ। किसी अच्छे मॉइस्चराइजर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना आप डेफिनेटली ये यूज कर सकते हो। और जो ये डर्मा वाइफ का क्लेंजर है, जो ये फेस वॉश टाइप है, ये ना इसके थोड़ा रेट नॉर्मल फेस वॉश से डेफिनेटली ज्यादा है बट मुझे पसंद बहुत है ये। मतलब एक बार अगर आपको एक अच्छे फेस वॉश में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस एंड दिस इज हाउ आई मॉइस्चराइज माई फेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, माई लास्ट स्टेप इज
एज ऑलवेज माई वैसलीन लिप बाम. दिस हैज टू बी माई लास्ट स्टेप. ये लिप बाम तो मतलब ऐसी चीज है आप चलते फिरते भी लगाते रहते हो, लाइक जितनी बार भी मूड होया उतनी बार लगा लिया. बट मेकअप रिमूविंग जब प्रोसेस चल रहा होता है तो डेफिनेटली दिस हैज टू बी द लास्ट थिंग दैट गोज ऑन टू माई फेस, लाइक लिप्स. देन आई मसाज इट नाइसली. So yeah, this is my makeup removing routine. Very very simple. These are like my favorite products. अगर मुझे खुद से खरीदने होंगे तो these are the products I would like to buy. And I like sugar का makeup remover also. I love it. But these days I'm using Nelf का, तो इसलिए I made this video with this product. So yeah, this is the makeup routine that I follow always. Please make sure अगर आपने हल्का सा भी कुछ लगाया है ना अपने face पे makeup में, like अगर फुल मेकअप नहीं भी किया है, बहुत थोड़ा ही लगाया है, तो कभी भी लाइट मत लेना कि अच्छा ठीक है ना कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ही तो मेकअप है, लगा के सो जाओ. कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा. आई डोंट रिमेम्बर अ सिंगल नाइट आई हैव स्लेप्ट विथ माई मेकअप ऑन. आई हैव नेवर स्लेप्ट विथ माई मेकअप ऑन. दैट्स एक्चुअली द मेन रीजन जो आप पूछते हो ना कि मेरी स्किन इतनी अच्छी कैसे है. मेरी स्किन नो डाउट अच्छी है. थोड़ा बहुत चीज़ें चलती रहती है, कभी डार्क सर्कल्स हो गए, कभी थोड़ी पिगमेंटेशन हो गई, बट जो टेक्सचर है मेरे स्किन का वो बहुत अच्छा है. तो उसका मेन रीज़न यही हो सकता है आई गेस, कि मैं कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोई हूँ. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप इफ़ यू वॉन्ट अ गुड स्किन, दैट्स द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू फॉलो. सो या दिस इज इट फॉर दिस वन. आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज.